पहला सुविधा सेंटर से उन्होंने 5 साल हो गए सुविधा सेंटर ही बंद करता। उस तो बाद जो हूँ नवी सरकार आई इन्होंने मोहल्ला क्लीनिक बनाया बहुत अच्छा लगा वै। पिछले गवर्नमेंटा ने अपने वादे पूरे कर दिए, काम कोई कर दिया नहीं। सत श्री अकाल, मैं हरमन कलौर, तुसीं देख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी दा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हुण दी सब तो वड्डी अपडेट आ रही है मोहल्ला क्लीनिकां नूं लैके। दिल्ली दे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोहाली विच आम आदमी क्लीनिकां दा दौरा कीता। इस मौके उन्हां दे नाल पंजाब दे सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा भी हाजिर रहे। उन्होंने मोहाली दे फेस 5 विच मोहल्ला क्लीनिकां दा दौरा कीता। तुहानूं इह वी दस दिंदे हां, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आजादी दिहाड़े मौके 75 आम आदमी क्लीनिक सूबे दे लोकां नूं समर्पित कीते। मुख्यमंत्री ने दावा कीता के 25 होर आम आदमी क्लीनिक बन के तैयार हो चुके ने, उन्हां नूं वी लोकां दी सेवा लई जल्दी खोल दिता जाएगा। क्लीनिका दे विच 41 तरह की टैसट की सहूलतां उपलब्ध होणगीआं ते 75 तरह दीआं दवाईआं मरीजां नूं मुफ्त मिल रहीआं ने। रोजाना 8 बजे तो 2 बजे तक इह क्लीनिक खुलदे ने ते सेहत विभाग वल्लों इन्हां क्लीनिका दे विच डाक्टरां अते पैरा मैडिकल स्टाफ की तैनाती कर दित्ती गई है। आम लोकां वल्लों वड्डी गिणती दे विच क्लीनिक दे विचों दवाई लैण लई आए लोकां ने इस दे बारे काफ़ी हद तक जिहड़ी सैटिस्फैक्शन है वह जताई है। तो दूजे पास जेकर देखा जाए तो मैडिकल अफसर ते डाक्टरां ने की दस्या वह भी सुनते हैं। फिलहाल जिहड़ी वड्डी गल निकल के सामने ये आई है कि मनीष सिसोदिया ने भगवंत मान का नाम लैण की बजाय जदों उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो भी कहिंदे ने ओह करके विखाउंदे ने। हालांकि वह जिहड़ा दौरा करन आए वह पंजाब दे जिहड़े मोहल्ला क्लीनिक है उन्हां दा करन आए हैं, पर फिर भी पहलां तां जिहड़ी दिल्ली दी सरकार है उसका नाम ही किते ना किते सामने आउंदा विखाई दित्ता। ओह विच आम आदमी क्लीनिक दी कल इनोग्रेशन किया गया साडे कैबिनेट मंत्री सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल उन्हां ने, ते इह अज तों लगभग शुरू हो गया होया है। अज लगभग 40 के आस पास पेशेंट्स का चैकअप होया, जिहदे विच हर पेशेंट नूं मेडिसिन्स प्लस वह जनरल चैकअप इनवैसटीगेशनस ब्लड दी इनवैसटीगेशनस जिन्हां नूं लोड़ हैगी सी उन्हां दी सारी इनवैसटीगेशनस कीतियां गईआं इत्थे ही, जिहड़े टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट नूं प्रोवाइड कर रहे सी। कोई उन्हां कोलों चार्ज कोई पैसा नहीं उन्हां कोलों असीं लै रहे। होर कोई प्रैगनेंट लेडीज़ जिहड़ियां आ रहियां ने ANC चैकअप्स वह भी उन्हां दा हो रहा वा। पेशेंट्स की जिहड़ियां वैक्सीनेशन चल रही ने वो भी इत्थे वैक्सीनेशन हो रही ने। अगर किसी बच्चे का टीकाकरण आदि वैक्सीनेशन वो भी सारी कुछ साढ़े को इत्थे फिलहाल अवेलेबल है। इत्थे साढ़े को देखो जी 41 टाइप के टैसट हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ने, फ्रॉम रूटीन तो लैके जिदा हम हैपेटाइटस वायरल मार्कर सारे टैसट हो रहे हैं। सो बड़ी वधिया प्रिविलेज है सर। बार जो टैसट इतने फ्री कर देवे जो बाहरों लैब तो कराने तो किन्ने के पैसे जो खर्चने पैंदे वो दे? देखो जी इदा जे कि भी 500 तो लैके 5000 रुपए तक है एक्सपेंस। सो जो फ्री मिलता पाया लोगों को ये देखो हर चीज़ इनफॉरमेशन ऑनलाइन है, इंक्लूडिंग अपना पेशेंट किन्ने नंबर ऑफ पेशेंट्स किन्ने आए की प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस हो रही हैं सोसाइटी दे विच। पिछलिया गवर्नमेंटा ने अपने वादे पूरे कर दिए, काम कोई कर दिया नहीं। मैं वेख्या यह जोड़ा इतने मोहल्ला क्लीनिक बनया पहला सुविधा सेंटर से उन्होंने 5 साल हो गए सुविधा सेंटर ही बंद करता। उस तो बाद जो हूँ नवी सरकार आई इन्होंने मोहल्ला क्लीनिक बनाया बहुत अच्छा लगा वै वधिया लगा वै। चलो हर एक बंद प्रॉब्लम सोल्व हो रही इतनी अभी तो मेरे सड़ सुड़ पे गल ठीक कर दी शुगर टैस्ट कराए ले दवाई हाँ, साफ काम कर ले बहुत।